गाइज, हाल ही में डेली लाइफ के कुछ ऐसे इनोवेशन हुए हैं जिन्हें देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे और अपनी डेली लाइफ में आप उसे यूज करना चाहेंगे। जैसे कि नंबर वन, ऐसे टूथब्रश बनाए गए हैं जिसमें ब्रिसल्स टूथब्रश के हैंडल से अलग हो जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स खराब हो जाएं तो आपको हैंडल के लिए अलग से पैसे देने नहीं पड़ेंगे। नंबर टू, ऐसे टीवी रिमोट बनाए गए हैं जिसमें हेडफोन या फिर ईयरफोन को आप रिमोट के अंदर ही प्लग इन कर सकते हो, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आपको टीवी क्वाइटली बड़ी शांति से अकेले देखना हो तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। एंड नंबर थ्री, ऐसे सूटकेस बनाए गए हैं जो कि अपना वेट खुद ही मेजर कर लेते हैं। गाइज, इन तीनों डेली लाइफ इनोवेशन में से आपको कौन सा पसंद आया और कौन सा आप यूज करना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, आपने उल्लुओं को तो अक्सर गर्दन घुमाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी इंसान को ऐसा करतब करते देखा है जिसमें वो भी उल्लुओं की तरह गर्दन घुमा रहा हो? गाइज, ऐसा भी एक इंसान हुआ है जिसका नाम है मार्टिन लोरेलो, जो अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकते थे और इसी वजह से उनका नाम मानव उल्लू पड़ा था। बाय द वे, ये गलत धारणा है कि उल्लू ही अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं, बाकी जितने भी पक्षी हैं वो भी अलग अलग दिशाओं में 135 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमाने में सक्षम होते हैं। गाइज, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। मार्केटिंग कितने तरीके की होती है और कैसे की जाती है उसे कुछ मजेदार एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होती है डायरेक्ट मार्केटिंग। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में, वहां पर आपने एक गॉर्जियस सुंदर सी लड़की देखी, आप उसके पास गए और आपने कहा कि मैं बहुत अमीर हूँ, मुझसे शादी कर लो। इसे कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को खुद ही बता रहे होते हो। दूसरी होती है एडवर्टीजमेंट। फिर से मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में, तब आपका कोई दोस्त किसी सुंदर सी लड़की के पास जाता है और आपकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो लड़का बहुत अमीर है, उससे शादी कर लो। इसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट, जिसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई तीसरा बंदा कस्टमर को समझा रहा होता है या बता रहा होता है। गाइज, आपको मार्केटिंग को समझाने वाले ये अमेजिंग एग्जाम्पल कैसे लगे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। पाई एक ऐसा रहस्यमय कमाल का नंबर है जिसके डेसिमल के बाद अनंत नंबर आते हैं और जिसे आज तक पूरी तरह से कोई भी कैलकुलेट नहीं कर पाया है, लेकिन स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का यह कहना है कि उन्होंने पाई के नंबर को डेसिमल के बाद 62.8 ट्रिलियन नंबर तक कैलकुलेट कर लिया है, और वो भी पूरे 108 दिन की कड़ी मेहनत के बाद। उनका यह भी कहना है कि उनका यह एक्सपीरियंस साइंस में, रिसर्च और डेवलपमेंट में काम आएगा। बाय द वे, मेरा आपसे ये सवाल है कि पाई की वैल्यू को आप डेसिमल के बाद कितने नंबर तक याद कर पाए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक लड़का जो कि अपने स्कूल में 9वीं क्लास में 3 बार फेल हो गया हो, छोटी सी उम्र में ड्रग जैसी बुरी लत का आदि बन गया हो और अपनी आदतों की वजह से स्कूल से निकाला गया हो, 22 साल की उम्र तक आते आते जिसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा बचा हो और जेबें खाली हो, ऐसे बंदे की जिंदगी से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? लेकिन जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं ना, आज वो बंदा अपनी मेहनत के दम पे वर्ल्ड का ऑल टाइम टॉप रैपर है, जिसका नाम है एमिनेम, जिसने अपने दम पर 233 मिलियन की वर्थ कमाई है। गाइस, एमिनेम खुद कहते हैं कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब आपके पास पाने के लिए सब कुछ होता है। आपको एमिनेम की ये स्टोरी कितना मोटिवेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।